नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के गिरदशा सुधरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो जनपद फर्रुखाबाद के भी काफी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की टिकट की जुगत में लगे हैं। तो वहीं एक सूत्रों से खबर आ रही है कि नगर निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा युवाओं को टिकट देगी बसपा। जाने क्या है बीएसपी की रणनीति। बसपा पार्टी इस बार निकाय चुनाव में तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव में संबंधित दिशा निर्देश भी जारी होने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी अब इन चुनाव में युवाओं को उतारने का मन बना रही है, यानी बीएसपी अब यूथ को आधे से ज्यादा टिकट देगी। इसके लिए पार्टी के अंदर मंथन लगातार जारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आधे से ज्यादा टिकट युवाओं को दिए जा सकते हैं। इसे लेकर बूथ स्तर पर बैठकों का सिलसिला पिछले 6 माह से जारी है। पार्टी के सदस्यता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार हर सीट पर 3 से 4 आवेदन आ चुके हैं। सामाजिक और जातिगत समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बूथ स्तर पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने अकेले दम पर निकाय चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने निकाय चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन की अटकलों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि पार्टी अपने सिंबल पर बाडो से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। नवंबर में अंत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। ऐसा माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग नवंबर के अंत में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिसंबर मध्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर 2022 को हैं। ऐसे में निकाय चुनाव इसके बाद ही होने के आसार हैं। यूपी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने अपने इलेक्शन सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वहीं एक बार फिर आपको बता दें, फर्रुखाबाद की काफ़ी जो नगर पंचायत व नगर पालिका की सीटें हैं उनके लिए काफ़ी दावेदारों की लंबी लिस्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए लगी हुई है। चाहे वो सदर नगर पालिका की बात हो या फिर कायमगंज नगर पालिका की बात, अन्य भी नगर पंचायत जो भी नई नगर पालिका नगर पंचायत बनी है फर्रुखाबाद में, उन सभी में बसपा की जो पसंद बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ सत्ता नहीं लग पाती है तो आगे कुछ पकाए पाना मुश्किल होगा।